नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बीजेपी और संघ परिवार, ये हिटलर विचार और रणनीति की राजनीति करती है, तो उसका हमारे जैसे फुले शाह अम्बेडकर विचारों के आंदोलन के लोग हमेशा विरोध करते आ रहे। हमारे महापुरुषों से लेकर बुद्ध से लेकर फुले शाह अम्बेडकर तक, कांशीराम साहब तक, इन्होंने विरोध किया है। और अगर वही आंदोलन की विरासत हम भविष्य में चलाना चाहते हैं तो बीजेपी और आरएसएस, इनकी जो फैसिस्ट राजनीति है, फैसिज्म की जो राजनीति है, उसका विरोध करना ये भारतीय संविधान के रक्षण का काम है। ये सिर्फ बीजेपी और आरएसएस का विरोध है ऐसा मैं नहीं मानता, बल्कि भारतीय संविधान, भारत का प्रजातंत्र और संविधान द्वारा दिए गए लोगों के अधिकार के रक्षा का काम है, ऐसा हम मानते हैं। और इसलिए जो भी लोग, ताकते, नेता, संगठन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी और संघ परिवार का साथ देते हैं, उनका हम तीव्र रूप से धिक्कार करते हैं, निंदा करते हैं। और ऐसे लोगों को समाज ने भी, लोगों ने भी अपनी जगह दिखाने की ज़रूरत है, ये हम सीना तान के अपने वर्करों को समझाते हैं। तब सरकार ने कहा था कि हम बिजली बिल माफ़ करेंगे, लेकिन आज तक ना बिजली बिल माफ़ हुआ। सरकार ने कम से कम राहत तो देनी चाहिए, जो लोग भरना चाहते उनको इंस्टॉलमेंट में भरने की इजाज़त देनी चाहिए, किश्तों में भरने की इजाज़त देनी चाहिए, और जो लोग समय पे भरते हैं उनको रियायतें देनी चाहिए। उसके बजाय उन बिलों के ऊपर अगर सरकार ब्याज ले रही है, इंटरेस्ट ले रही है, तो ये सरकार नहीं, ये साहूकारों का धंधा कर रही है। और साहूकारों का धंधा करने वाले लोगों का हम निषेध करते, धिक्कार करते, क्योंकि कानूनी रूप से साहूकारी धंधा करना ये किसी को भी इजाज़त नहीं, निजी आदमी को भी नहीं और किसी सरकार को भी नहीं। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने पहुंचे विरार, कार्यकर्ताओं के लिए बैठक, वसई विरार चुनावी मैदान में उतरने का किया ऐलान। कल 25 अक्टूबर को महाराष्ट्र के सभी जिला मुख्यालयों पर महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन का भी किया आह्वान। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने आज दोपहर के 12 बजे विरार पहुंचे, जहां विरार पश्चिम के एक हॉल में अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक लेते हुए पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। पार्टी के लिए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को किस तरह कार्य किया जाना चाहिए इसके गुर सिखाए। अपने संबोधन में पार्टी अध्यक्ष माने ने केंद्र की मोदी सरकार पर काफ़ी टीका टिप्पणी की। माने ने टीका टिप्पणी में राज्य सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हेतु दोनों सरकारों को बराबर जिम्मेदार ठहराया। पार्टी अध्यक्ष माने ने कल 25 अक्टूबर को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान भी किया। माने ने वसई विरार में अपनी पार्टी के मजबूत होने की बात कहते हुए आने वाले मनपा चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होने की सूरत में 25 से अधिक सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने की बात भी कही। साथ ही यह भी कहा कि यदि किसी पार्टी के साथ गठबंधन होता है जिसमें बहुजन विकास आघाड़ी भी शामिल है, तो उस सूरत में गठबंधन धर्म का पालन करते हुए अपने खाते में आई कुछ चुनी हुई सीटों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। क्या इतना भी नहीं समझ पाएंगे? और अगर आप ये समझ कर भी कहोगे कुछ भी हो वो अपना ही आदमी है, तो आप जातिवादी हो, आप खुद जातिवादी हो। और जो जातिवादी है उसको अंबेडकर का फॉलोअर मानना गलत है। मैं तो अपने कार्यकर्ता हूं, मैं ये स्पष्ट कर देता हूं कि जो जाति को अपने कंधे पे लेकर चलता है वो कभी भी फुले शाह अंबेडकर आंदोलन का सिपाही नहीं बन सकता, क्योंकि ये महापुरुषों की विचारधारा और उनका आंदोलन ये जाति को समाप्त करने के लिए है। इसीलिए कांशीराम जी ने बार बार कहा जाति तोड़ो समाज जोड़ो। महात्मा फुले ने इसीलिए हमको समझाया कि आप शूद्र अतिशूद्र हो, जाति का नाम लोगे तो हजारों टुकड़ों में बटोगे और शूद्र अतिशूद्र का नाम लोगे तो 2-3 टुकड़ों में बटोगे। बाबा साहब अंबेडकर ने भी इसको 1935 के बाद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ऐसे कंसेप्ट बनाई ताकि आप कम से कम उसी लिए तो इकट्ठे हो जाए।
तो जाति के मिटाने के जो तरीके हैं वो अगर हमारे महापुरुषों के विचारों का आंदोलन का कारवा है, तो जाति को बरकरार रखने वाले संघ परिवार या भारतीय जनता पार्टी, इनको साथ देने वाला चाहे हमारे बिरादरी हमारे घर का क्यों ना हो, वो फुले शवा अंबेडकर का आंदोलन कैसे चला सकता है, ये विचारों की एक सोचने की जरूरत है। नंबर एक सर, आज आपकी यहाँ वसई यात्रा हुई वसई इधार में, क्या विषय है एक सवाल ये, दूसरा सवाल ये कि आने वाले दिन में कल आप एक धरना प्रदर्शन मुंबई में करने वाले, क्या विषय वस्तु है? आज विरार सिटी में बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की स्थानीय शाखा की तरफ से पार्टी को 5 साल हुए इसलिए पार्टी का वर्धापन दिन और पार्टी के जो अन्य महापुरुषों में जो महापुरुष है उसमें आदरणीय कांशीराम जी, इनका स्मृति दिन के मौके पर एक कार्यकर्ता की आज मेलावा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक का मकसद ये है कि आने वाले विरार वसई महानगर पालिका के जो चुनाव है उसकी भी तैयारी करें और तैयारी करके एक 20-25 सीटों के ऊपर बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी विरार वसई में पहली बार चुनाव लड़ेगी। वैसे ये चुनाव की रणनीति पार्टी की ये है कि हमने स्टेट के लेवल पर एक बड़ा गठन करने की कोशिश की है, उसमें 11-12 पार्टियां हैं, उसमें बहुजन विकास आघाड़ी भी एक पार्टी है, तो हो सकता है कि हम बहुजन विकास आघाड़ी के साथ मिलके भी चुनाव लड़े। अगर उनको कोई इतराज़ है या उनकी तरफ से कोई दिक्कत आती है तो फिर पार्टी अन्य दलों के साथ मिलकर भी चुनाव लड़ सकती है। ये पार्टी की विरार वसई महानगर पालिका चुनाव की रणनीति है। सर आपने भी जैसा कहा कि आपकी रणनीति है आप चुनाव लड़ने जाएंगे और बहुजन विकास आघाड़ी, तो सवाल सबसे बड़ा है कि बहुजन विकास आघाड़ी 30 साल से यहाँ सत्ता में है, वह किस आधार पर आपको 25 से 30 सीटों पर प्रतिनिधित्व देगी? नहीं, 25-30 सीटें जो मैंने कही वो अगर अपने ताकत पर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की बात आती है तो उतनी सीटें में लड़ेंगे, और अगर अलायंस में लड़ना होता है तो अलायंस में आपको समझौते करने पड़ते हैं, तो फिर जितनी तैयारी हमें होगी और अलायंस में जितनी सीटें आएगी उन सीटों के ऊपर पार्टी चुनाव लड़ेगी। जब अलायंस की राजनीति करते हो तो समझौते के लिए तैयार होना पड़ता है, इसलिए जितनी सीटें पार्टी के खाते में आएगी उतने सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ सकती है। रही दूसरी बात कि कल पूरे महाराष्ट्र में पार्टी की तरफ से जो केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल सीएनजी एलपीजी खाद्य तेल कुकिंग गैस इनके जो दाम भयानक रूप से बढ़ाए हैं जिसके लिए मोदी सरकार सीधे सीधे जिम्मेदार है, इसके लिए हम सीधा आरोप करते हैं कि मोदी सरकार ये सारे फैसले तेल कंपनियों के खातिर उनको नफा फायदा पहुंचाने के लिए और गरीबों की कमर तोड़ने के लिए मोदी सरकार के ये गलत फैसले हैं। इसका कल बीआरएसपी महाराष्ट्र के सभी जिलों के कलेक्टर ऑफिसर्स के सामने पार्टी उग्र रूप से धरना प्रदर्शन करके केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों को ये अपील कर रही है, मेमोरेंडम देंगे दिए जाएंगे कलेक्टर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री मोदी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री श्री अजित पवार, इनको भी मेमोरेंडम भेजे जाएंगे ताकि केंद्र और राज्य के डीजल पेट्रोल के ऊपर टैक्सेस अगर कम हो गए तो आम आदमी की गरीब जनता की जो महंगाई के कारण कमर टूट रही है, एक तो कोविड के महामारी से लोग टूटे हैं परिवार टूटे हैं, फिर बरसात अतिवृष्टि पूर्वग्रस्त परिस्थिति इनसे कई लोग उनके परिवार बिखर गए हैं, साथ में रोजगार की कमी है, लोगों को घर का भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं है, ऐसे हालत में महंगाई की मार ये जो लोगों के ऊपर केंद्र के सरकार के मेहरबानी से
और राज्य के सरकार के नाकामयाबी से पड़ रही है, उसका कल BRSP पूरे महाराष्ट्र में जमकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर उनका विरोध करने जा रही है। सर, आपके धरना प्रदर्शन में आपने एक चीज शामिल की है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का ये हाल है कि जब कोविड था तब लोग इस भ्रम में थे कि सरकार बिल माफ़ करेगी, लेकिन तब बिल माफ़ नहीं हुए। चलो बिल माफ़ नहीं हुए तो नहीं हुए, पब्लिक आज की तारीख में पैसा भरने के लिए तैयार है, लेकिन ये सरकार जो है उन लोगों के ऊपर से बिल माफ़ करने की बजाय ब्याज वसूल रही है और लोगों का कनेक्शन काटा जा रहा है। आज आम आदमी की यही समस्या है कि कनेक्शन काटा है, क्या कल के आंदोलन में जो महाराष्ट्र सरकार के बिजली विभाग के माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी बिल दिए जा रहे हैं उसका भी BRSP कल डटकर विरोध करने जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड की भीषण समस्या में लोगों के आय के साधन कम हो गए, नौकरियां कम हो गई, डेली इनकम बंद हो गया। ऐसे हालत में जो बिजली बिल दिए गए वो भी इतनी बड़ी भारी मात्रा में दिए तो उसका पूरे स्टेट में जमकर विरोध भी हुआ है, लोगों में आक्रोश भी है, गुस्सा भी है। तब सरकार ने ये कहा था कि हम बिजली बिल माफ़ करेंगे, लेकिन आज तक ना बिजली बिल माफ़ हुआ। सरकार ने कम से कम राहत तो देनी चाहिए, जो लोग भरना चाहते उनको इंस्टॉलमेंट में भरने की इजाज़त देनी चाहिए, किश्तों में भरने की इजाज़त देनी चाहिए, और जो लोग समय पे भरते हैं उनको रियायतें देनी चाहिए। उसके बजाय उन बिलों के ऊपर अगर सरकार ब्याज ले रही है, इंटरेस्ट ले रही है, तो ये सरकार नहीं, ये साहूकारों का धंधा कर रही है, और साहूकारों का धंधा करने वाले लोगों का हम निषेध करते, धिक्कार करते, क्योंकि कानूनी रूप से साहूकारी धंधा करना ये किसी को भी इजाज़त नहीं, निजी आदमी को भी नहीं और किसी सरकार को भी नहीं। रही बात इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो गलत सलत बिल दिखाया है, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? सही बिल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब गलत बिल दिए जा रहे हैं तो आम आदमी क्या करेगा? उसका तो विरोध करेगा। और इसीलिए सरकार ने या बिजली विभाग के जो भी संबंधित विभाग है, मंत्री से लेकर सभी विभागों ने इसके ऊपर जनता के हित का फैसला करने की ज़रूरत है, ये BRSP की मांग है। सर, भारत न्यूज का एक क्वेश्चन है शिक्षा को लेकर के, जो अभी प्राइवेट स्कूल महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने तो अभी 8वीं से लेकर के 12वीं तक का स्कूल चालू कर दिया है, लेकिन 8वीं से लेकर के 1वीं से लेकर के 8वीं तक के बच्चे जो घरों में बैठे हैं, इनकी जो फीसें ऑनलाइन का लॉलीपॉप दे करके वसूला जा रहा है, उसमें आपकी पार्टी इस आंदोलन में क्या एक्शन ले? अच्छा हुआ आपने शिक्षा के बारे में ये सवाल पूछा। इसको लेकर दो जरूरत इम्पोर्टेंट बातें मैं आपके सामने रखूंगा। पहले आपका जो पहला सवाल है कि कई स्कूलें चालू नहीं होने के बावजूद भी स्कूल की जो फी है वो छात्रों के परिवारों से वसूल कर रहे हैं। रही बात कि जो स्टेट से ग्रांट देनी थी, अनुदान देना था, वो राज्य सरकार की तरफ से कई स्कूलों को नहीं दिया गया है। इवन जो कोविड कालखंड में जिन अनुसूचित जाति जनजाति छात्रों की जो स्कॉलरशिप है वह सरकार ने देनी चाहिए थी, वो भी नहीं दे चुकी है। तो ये तीनों मामलों में सरकार एक समन्वय के रूप में जो प्रॉपर और पॉजिटिव रोल करने की उनसे उम्मीद थी, उन उम्मीदों के कसौटी के ऊपर सरकार खरी नहीं उतरी है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि चाहे स्कूल सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसमें फीस में 15% तो कटौती होनी चाहिए, माफ़ी होनी चाहिए, लेकिन प्राइवेट स्कूल इस बात को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सरकार कमज़ोर है इसलिए नहीं कर रहे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने रियायतें देने के लिए कही है। रही बात जो विदाउट ग्रांट स्कूल है, तो विदाउट ग्रांटेड जो स्कूल है
तो चलाना भी मुश्किल होता है। तो कोविड पीरियड में कम से कम अनग्रांटेड जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस स्टेट गवर्नमेंट ने करनी चाहिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसमें भी फेल हो चुकी है। और तीसरा मुद्दा जो मैंने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति या जो बच्चों के लिए स्कॉलरशिप आती है, शिष्यवृत्ति आती है, इसका भी पैसा सरकार गैर तरीके से गलत कामों के लिए इस्तेमाल करके उनके ट्यूशन फी नहीं दे रही है। तो ये तीनों मामले भी उसका सरकार का जो नीति है उसका BRSP विरोध करती है, लेकिन कल का मामला सिर्फ ईंधन को लेकर है, इसलिए ये सब्जेक्ट कल के ईंधन प्राइस राइज को लेकर होने के कारण कल के आंदोलन में ये नहीं है। आखिरी सवाल, आपके कार्यकर्ता प्रशिक्षण में आपने जमकर बीजेपी और बीजेपी में जुड़े आप ही के मोमेंट के जो लोग हैं उन पर निशाना साधा है, क्या कहेंगे? बीजेपी और संघ परिवार ये हिटलर विचार और रणनीति की राजनीति करती है, तो उसका हमारे जैसे फुले शाह अम्बेडकर विचारों के आंदोलन के लोग हमेशा विरोध करते आ रहे। हमारे महापुरुषों से लेकर बुद्ध से लेकर फुले शाह अम्बेडकर तक, कांशीराम साहब तक, इन्होंने विरोध किया है। और अगर वही आंदोलन की विरासत हम भविष्य में चलाना चाहते हैं तो बीजेपी और RSS इनकी जो फैसिस्ट राजनीति है, फैसिज्म की जो राजनीति है, उसका विरोध करना ये भारतीय संविधान के रक्षण का काम है। ये सिर्फ बीजेपी और RSS का विरोध है ऐसा मैं नहीं मानता, बल्कि भारतीय संविधान, भारत का प्रजातंत्र और संविधान द्वारा दिए गए लोगों के अधिकार के रक्षा का काम है, ऐसा हम मानते हैं। और इसलिए जो भी लोग, ताकते, नेता, संगठन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी और संघ परिवार का साथ देते उनका हम तीव्र रूप से धिक्कार करते हैं, निंदा करते हैं, और ऐसे लोगों को समाज ने भी, लोगों ने भी अपनी जगह दिखाने की ज़रूरत है, ये हम सीना तान के अपने वर्करों को समझाते हैं। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।